मेरी मौजूदगी जो है वो कामा में है, और कामा में बीएसपी के कार्यालय पर है, जहां शकील जी जो है अब कामा से बीएसपी के प्रत्याशी है। वहीं मेरे साथ अभी जो कामा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, एडवोकेट हैं, वो वकील हैं, हीरा लाल जी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। और लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं कार्यालय पर, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, किन उम्मीदों के साथ आए हैं, क्या उम्मीदें वो शकील खान के साथ लगा के रखते हैं, क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे लेकिन बीजेपी के बाद उन्होंने रुख बीएसपी का किया है। ये सारी बातें जो जनता से करेंगे। जी क्या नाम सर आपका पूरा, एक बार मैं चाहता हूँ कि परिचय देखिए। मेरा नाम एडवोकेट हीरालाल जाजोरिया है और मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और जब से हमारी पार्टी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ बीएसपी की टिकट घोषित किया, भाई शकील खान जी के तैयार है। कई गाँव में हमने दौरा किया है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा बड़े दुखी हैं यहाँ के पूर्व शासन से, यहाँ का जिस तरह का और यहाँ जिस तरह की विधानसभा में कमियाँ हैं, जैसे मूलभूत सुविधाएं, सड़कों की कमी है, शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है और रोज़गार तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पूर्णतः बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है शकील भाई के लिए। सब समाज जी यहाँ की अगर बात की जाए कामा विधानसभा की, तो मोस्टली यहाँ बीजेपी और बीएसपी का बीजेपी और कांग्रेस का रहा है, लेकिन बीएसपी जो है वर्चस्व में यहाँ नज़र नहीं आई है। तो अब की बार का रुझान क्या है, अब की बार माहौल किस तरह का बना हुआ है? देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अच्छी संख्या में दलित वोट बैंक है, करीब 40 से 45 हज़ार दलित वोट बैंक है। और इसके अलावा यहाँ जो पूर्व में ये सरकारें रही हैं, इनके शासन से लोग बहुत ही त्रस्त हैं, और भाई शकील जी को ये त्रस्त लोग और दलित समाज और सर्व समाज मिलकर अब की बार इनको एमएलए बना रहा है, और ऐसी हमें उम्मीद है। विधानसभा से कितने वोट आप हाथी पे लेकर आने वाले हैं शकील जी? देखो हम कम से कम 1 लाख वोट के आसपास लेकर चल रहे हैं और हम ये सीट जीत रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है हमारा उम्मीदवार। जैसे कि आप चुनाव को लेकर वोट मांगने के लिए अब गांव-गांव जा रहे हैं, तो आज कौन से गांव में कहां से समर्थन मिला, कौन कौन सी जगह? देखिए आज हमारा टूर माची गांव में रहा, धर्मशाला में रहा और सोलपुर गाँव में रहा, नीमला में रहा। माची गाँव में सैकड़ों युवाओं ने, सैकड़ों बुजुर्ग, पूरी वह सब समाज, वहाँ पूरी समाज ने बहुत ही जोरदारी से हमारा स्वागत इस्तकबाल किया और भाई शकील जी को फेंटा बांधकर स्वागत किया और पूर्ण समर्थन दिया कि हम पिछले कार्यकाल से, पिछली सरकारों के कार्यकाल से बहुत दुखी हैं और अब की बार पूरा गांव यहां से झन्या वोट करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ और भी नौजवान मेरे साथ हैं, एक नौजवान के साथ आप लगे, किन उम्मीद किन आशाओं के साथ आप शकील खान के साथ चल रहे हैं? देखो जी आशा तो यही है कि आशा जिंदी रहनी चाहिए। एक तो उम्मीद, जब तक आदमी को जिंदा जिंदी है तब तक सब कुछ मुमकिन है। अब तक जो सरकारें रही हैं, खासकर जो मंत्री जाहिदा खान का जो कार्यकाल रहा पिछली 5 साल का, 5 साल में कोई एक सड़क बता दे जाहिदा खान ने जो बनवाई है, अगर कोई सड़क बनी भी है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी है। मतलब एक गाँव की सड़क को बनवाने के लिए भी हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। इसके अलावा जो अस्पताल की सुविधा वो बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, 2 बजे बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, यहाँ तक जो नर्सें हैं जो डिलीवरी करवाती हैं उनको भी मिठाई के तौर पे 2100 रुपये देने पड़ते हैं, नहीं तो वो भी रेफर कर देने में, बच्चा यहाँ नहीं होगा, बच्चा आप भरतपुर ले जाइए, इसको 2100 रुपये दे देते हैं तो यहीं हो जाता है बच्चा। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं, जिस तरह के अभी बता रहे हैं कि कामा में इस तरह के हालात है, अगर नर्स को अगर कोई डिलीवरी यहाँ करानी तो उसका चार्ज लेते हैं? बिल्कुल लेती है, बिल्कुल। सरकारी अस्पताल में? हाँ सरकारी अस्पताल में लेती है। मेरा खुद का बेटा हुआ राष्ट्रदीप, तो जब वो हुआ था तो हमने दो नर्स थी, दोनों को साड़ी दी, दोनों को अलग अलग मिठाई के डिब्बे दिए, 1100-1100 रुपये दिए। ऐसा तो नहीं कि आप खुशी से देखा है? नहीं, मांगे गए हो दोनों में फर्क? अरे जबरदस्ती मांगे गए, खुशी में कौन देता है? खुशी में तो हम आपको 1 रुपये दे देते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती मांगे। उसके बाद फिर मेरा भाई का बच्चा हुआ, उसमें भी उन्होंने मांगे, फिर मेरे चाचा के लड़का हुआ था उसमें भी उन्होंने पैसे मांगे थे, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया कि भाई अब नहीं। ये बताइए आप विधानसभा के किस गांव से आते हैं, आज शकील खान जी के कार्यालय पे आप पहुंचे हैं, बीएसपी के कार्यालय पे पहुंचे हैं, किस उम्मीद के साथ यहां पहुंचे? मेरा गाँव गड़ाजान है, मंत्री जी का भी वही गाँव है। गाँव की हालत इतनी बदतर है कि अगर मैं पैदल भी जाऊँ ना तो मेरे कपड़े कीचड़ में हो जाएँ, मतलब हमारे घर के लिए रास्ता नहीं है गड़ाजान में, बिल्कुल मतलब सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, कीचड़ हो रही है घुटनों घुटनों। और मैंने एक बार सोशल मीडिया पर डाल दिया था तो उन्होंने भाई हाउ लड़ मचा दिया कि भाई तेरा, मेरे पापा के पास फोन आया, उन्होंने भाई तेरा लड़का था हमारे बारे में मूठ पटांग लिख रहा है। अब भाई मैं चाहता हूँ भाई हमारे गाँव की सड़क बने तो उसमें दिक्कत क्या है,
यहाँ तक कि बनाने का काम सरपंचों का होता है, सरपंचों का भी होता है, लेकिन विधायक जी जब नहीं चाहती, उनको आदेश दिया पड़ा है, सेक्रेटरी वगैरह हैं जो जो जयन अयन होते हैं जो इस PW विभाग के, कि भैया अगर तैने सड़क बनवाई तो तेरे खैरना ट्रांसफर वार्ड में करवा दूंगी। हाँ ऐसे आदेश है। ये बातें कौन कहता है? अरे मंत्री जी कहेंगे और कौन कहेगा, हम कहेंगे का? आपके सामने किसी ने रखी अगर, जिससे आप जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने इस बात? देखो मेरी सरपंच से बात हुई थी, तो सरपंच ने कहा कि भाई IN JN के जहाँ दिन साइन हो जाएंगे वहाँ दिन सड़क बन जाएगी, ना उन्होंने साइन करे ना सड़क बनी। चलिए गाँव के हालात अभी खराब है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब है, सिर्फ मेरा ही गाँव का नहीं है, किसी भी गाँव को उठा के देख लो, और जितने भी सरपंच काम है विधानसभा के जो कहते हैं भाई हमने जाहिदा को समर्थन दे दिया है, हम जितवा खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो बताएं अपने गांव की स्थिति, दिखाएं उनको कि भाई तेरे गांव में कितनी सड़क बनवाई तुमने, पानी की व्यवस्था क्या है, चंबल की परियोजना 2008 में शुरू हुई थी, अब तक कामा में भी पानी नहीं आया है, हमारे खुद के 12 साल बाद जाके तो कुल नल लगा लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं आया, नल तो लगा दिए बस पानी नहीं आ रहा, क्या फायदा भाई चंबल परियोजना का? ये BSP के साथ ही क्यों है, BJP और कांग्रेस के साथ क्यों है? बहुजन समाज पार्टी है जो, वो एक तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, ऐसा नहीं कि भाई ये हमारी बिरादरी का है तो इसको ज़्यादा तब दी जाए, ऐसा नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम उसी की रीति नीति पर काम करते हैं। तो बहन जी है, जब बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने ऐसा नहीं केवल एक ही बिरादरी अपनी ही बिरादरी के लोगों को मंत्री बनाया, बहन जी ने जितने भी समाज के लोगों को सबको, मतलब OBC वर्ग में तो कुछ जातियां तो ऐसी थी जिन्होंने आज़ादी के 70 साल तक विधानसभा का मुंह तक नहीं देखा था, उनको भी बहन जी ने विधानसभा भेजने का काम किया। अच्छा ऐसा तो नहीं कि शकील यहाँ से बसपा से जीत कर फिर किसी दूसरी पार्टी में चला गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर BJP पहले ही कैंडिडेट यहाँ पर तय कर देती और जब ये लोग शकील भाई साहब अगर बसपा में आते तो एक घड़ी हम मान भी लेते कि भाई हो सकता है कि भाई चुनाव जीतने के बाद चले भी जाएं, लेकिन अब शकील भाई साहब ने पहले ही इस चीज़ को लगा लिया कि भाई BJP पार्टी है, एक तो धर्म की राजनीति करती है और आपस में फूट डालने का काम करती है, जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने का काम करती है, तो इसलिए शकील भाई साहब चाहते तो कांग्रेस में जा सकते थे, लेकिन जब शकील भाई साहब ने स्टडी की भाई कौन सी पार्टी क्या उनका स्टेट है क्या विचारधारा रही है, तो उस हिसाब से शकील भाई साहब ने बहुजन समाज पार्टी को चुना। चलिए और भी नौजवान मेरे साथ हैं, उनसे बात करें, आज अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, कार्यालय पे पहुँचे हैं, किन उम्मीदों के साथ हैं और शकील खान जी के साथ कितने नौजवान अभी में हैं आपके तरह के, जिस तरह को आप देख पा रहे हैं? देखिए मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे आपके चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है, और मैं आपको बता देता हूँ कि शकील भाई साहब के साथ में समथिंग जो हमारे साथ वाले हैं, जो एक युवा टीम इनके साथ जो चल रही है जुड़ के, वो समथिंग 200 से 250 युवाओं की एक टीम है, जो हमने हर गांव की तरफ हर ग्राम पंचायत की तरफ एक डिवाइड किया है टीम के हिसाब से, तो युवा शकील भाई साहब के लिए इस टीम के हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं वो हम इसलिए आए हैं कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे जो नेता हैं यहाँ से जो 4 साल से तकरीबन काम कर रहे थे, अगर उनके साथ बगावत करती है तो हम भी जो शुरू से कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे थे तो हम भी बगावत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को एक बार बोल चुका था कि हम भी बगावत करेंगे, तो आज जब ये बसपा से टिकट लेके आए हैं, जो वो भी ऐसे टाइम में लेके आए, ना तो कांग्रेस ने अभी तक यहाँ का कोई कैंडिडेट क्लियर किया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले ही अपना रुख बदल के और जनता के विकास के लिए इस कामा के बारे में जो सोचा है, तो पहले इन्होंने बसपा का टिकट लिया है, तो मैं सबसे पहले इनको इनवाइट करने आया हूँ कि कामा विधानसभा का लेवड़ा ग्राम पंचायत में एक गाँव पड़ता है जो कनवाड़ी राजपूतों की बस्ती है, मैं इनको वहाँ के लिए इनवाइट करने आया हूँ कि भाई साहब आप हमारे गाँव में आइए और आपका जोर तोर से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा, क्योंकि हमारा गाँव पहले भी बोल चुका है कि आज तक हम भाजपा के थे लेकिन अब हम एक नेता चुनेंगे जो शकील मतलब शकल को देख के हम चल रहे हैं कि हमारा कि आपने पहले बताया कि हम विरोध भी करेंगे, तो वहीं आज आप शकील खान चेहरे के साथ हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए जी क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का अभी माहौल कामा क्षेत्र में बना हुआ है? कामा क्षेत्र में माहौल बढ़िया बना हुआ है, सिर्फ क्या आप उम्मीदें लगाते हैं? उम्मीद ये लगाते हैं, हमारा जो शकील खान है वो वास्तव में ही नेता है और बढ़िया नेता है, अच्छा मतलब काम करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, अच्छा मतलब जनता के बीच में उनका माहौल बना हुआ है। होगा। चलिए आप कहाँ से आए हैं सर?
मेवात से। मेवात से कौन से गांव से है कामा में? मेवात से मैं झारपुड़ी गांव से हैं, हरियाणा से। अच्छा, कैसा वोट उठ मिलने वाला है आपकी बार, कौन सी पार्टी? मैं जी यहाँ कभी नहीं आया विधानसभा का इलेक्शन में, मैं अब के कामा क्षेत्र में आया हुआ हूँ शकील खान के साथ। मुझे यहाँ पर 80% शकील खान के साथ अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। और मैं खान का रुझान आपको लगा? हाँ।